मलीर के जेटीसी जमशेद रदा फ्री डायलिसिस सेंटर में मौजूद है। मेरे साथ मलीर की सियासी और सामाजिक शख्सियत इमरान साहब मौजूद है। आए आपको अंदर लेके चलते हैं, दिखाते भी इमरान भाई से बात भी करते हैं। अच्छा इमरान भाई, आप ये देखिए जो नाला चल रहा है इसके ऊपर ये जो फरज बना है ये भी हमने ही बनवाया है ताकि यहाँ से अलग मूवमेंट पूरी हो सके। और मैं बता दूं जमशेद रजा ये जो जेडीसी ने स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल बनाया है ये उसी फैमिली ने जिसने स्कूल के पूरे खर्चात बर्दाश्त किए उन्होंने ये पूरा डायलिसिस सेंटर बनवाया। अब मसला क्या आ रहा है इमरान भाई, मैं आपको बताऊं इस वक्त मलीर में, पूरे मलीर में ना प्राइवेट और ना सरकारी एक भी डायलिसिस सेंटर नहीं है। हमारे पास इस वक्त 2600 मरीज रजिस्टर्ड हो चुके हैं लेकिन हम कैसे उनका डायलिसिस कर रहे हैं। हमारी पोजीशन ये कि ये तीनों शिफ्टों में चल रहा है, तीनों शिफ्टों में एक बेड भी खाली नहीं है। मैं आपको अंदर दिखाता हूँ और जो लोग देख रहे हैं मैं उनको बता दूं इस वक्त जेडीसी के जितने भी डायलिसिस सेंटर हैं, चाहे सरजानी टाउन हो, चाहे समनाबाद हो, चाहे नॉर्थ आजमाबाद हो, चाहे लियाकताबाद हो, चाहे गुलशन इकबाल हो, चाहे सोल्जर बाजार हो, चाहे लियारी हो, कोई भी हो, मलीर हो, सब फुल है। हमारे पास बिल्कुल भी जगह नहीं है। इमरान भी देखिए अंदर दाखिल हुए, ये नॉर्मल लोगों का डायलिसिस होता है। यहाँ मरीज का वेट होता है व्हीलचेयर समेत, उसके बाद वो हेपेटाइटिस सी के मरीजों का रूम है, ये हेपेटाइटिस बी के मरीजों का। आए अंदर आए, मैं आपको दिखाता हूँ, आइएगा। ये सब देख रहे हैं आप, खूबसूरती देख रहे हैं जगह की। तीसरा वाले डॉक्टर साहब कैसे हैं भाई, कितने अरसे से करा रहे हैं डायलिसिस? जुलाई से। बेहतरी महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल। कोई पानी वानी अब जिसमें है या सब निकल चुका? नहीं सब निकल जाता है। वो कोई मुश्किल तो नहीं? किसी भी खुद चल के आते हैं? जी मैं खुद चल के आता हूं। खुद चल के माशाल्लाह। ठीक है इमरान भाई, ये जो आप देख रहे हैं ना डायलाइजर, ये भी जर्मनी से आता है। हम डायलाइजर भी जो है वो फ्रिजीनियस कंपनी का ले रहे हैं। ये दुनिया की नंबर वन कंपनी की मशीन, फ्रिजीनियस की मशीनें लगी हुई हैं। आप चिलर देख सकते हैं, मॉनिटर्स लगे हुए इनके सिरहाने। किसी भी किस्म की एक चीज भी ऐसी नहीं है जो किसी बड़े से बड़े प्राइवेट अस्पताल में ना हो। डॉक्टर साहब इनकी केस हिस्ट्री बताएंगे? आए बल्कि पहले मैं सबको एक बार देख लूँ। सलाम वालेकुम बहन, कब से हो रहा है डायलिसिस आपका? 2 साल। यहाँ कब से करवा रही हैं? 3 महीने। कैसा महसूस कर रही हैं? बेहतरी आई है? कोई मुश्किल तो नहीं? खुद आती हैं? चलो ये देखो, ये सब केमिकल और तमाम चीज़ें। इमरान भी देख रहे हैं आप? बिल्कुल। सलाम वालेकुम, कैसी हैं अम्मा, तबीयत कैसी है? अभी आपके लग रहा है? कितने दिन बाद आती हैं यहाँ पे? हफ्ते में तीन बार आती हैं। रिहाइश करीब में ही है? थोड़ी सी दूर है, परेशानी होती है। कैसा महसूस कर रही हैं यहाँ डायलिसिस? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे आपको। कोई मुश्किल नहीं? आपके इस टैलेंट को अल्लाह ताला नजरे बख्शे। दुआ में याद रखें, देखें ये सब दुआ में याद रखें। इमरान भाई सुन रहे हैं, चीजें सुन रहे हैं, देख रहा हूँ। कैसी है बहन, कब से हो रहा है डायलिसिस आपका? 4 महीने हो गए यहाँ पर ही। आप रिहाइश कहाँ है? मलीर घोष मार्केट। चले यहाँ से आपको वहाँ जाना दूर पड़ता होगा, अब तो घर के करीब है। अब तो माशाल्लाह बहुत सही है और बहुत कुछ सही दिख भी रही हूँ। माशाल्लाह। अच्छा यहाँ डायलिसिस भी 4 घंटे का होता है आपका? जी। कोई मतलब 2 घंटे वाला तो नहीं है ना? नहीं, 4 घंटे होता है, बहुत अच्छा होता है। अच्छा बेहतरी जिंदगी है? बेहतरी है, बहुत बेहतरी है। देखिए ये है पेशेंट्स के साथ, देखें ये देखें, मैं आपको जो बोला था ये देखें फ्रिजीनियस, और ये भी डायलाइजर भी जो है इम्पोर्टेड है। कोई चीज भी मरीज के जो लग रही है वो लोकल इस्तेमाल नहीं हो रही है, जबरदस्त है, कोई लोकल नहीं है। ये हमें खुद पता चलता है कि ये डायलिसिस करवाने के बाद हमारी तबीयत कितनी बहाल हुई है। माशाल्लाह। घर के काम भी कर सकते हैं, करने हैं आपको? मैं बाइक पर रश के भी नहीं आ सकती थी, अब मैं बसों में आती हूँ। अच्छा पहले आप माशाल्लाह खुद बसों में आ जाती हैं? कोई मुश्किल नहीं है ना? दुआओं में याद रखें अम्मा। यहाँ से डायलिसिस के पास जाके मैं दुनिया का काम कर लेती हूँ। खुदा आपको सेहत दे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। डॉक्टर साहब इनकी क्या केस हिस्ट्री है, कुछ फाइल लाएंगे इनकी? हम दिखाना चाहते हैं इनके क्या टेस्ट वगैरह होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है बहन? कहाँ रहती हैं, किस इलाके में रहती हैं? खुकराबार। अब तो कोई मुश्किल नहीं जिंदगी? नहीं अल्लाह का शुक्र है। बेहतर महसूस करती हैं? बहुत बेहतर। कोई पैसा रुपया तो खर्च नहीं होता आपका? नहीं अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया बहन, ज्यादा एक्टिव हो गई है ना। देखिए 4 घंटे की डायलिसिस में यही तो खूबी है। 2 साल से हो रहे हैं, अब तो बेहतरी है ना, यहाँ करवाने के बाद तो बेहतरी है ना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। जी डॉक्टर साहब जी, अच्छा क्या नाम है इनका? जी इनका नाम है शाहिदा नसीम और ये है एंड स्टेज रीनल डिजीज। ये क्या होती है डॉक्टर साहब? जी एंड स्टेज रीनल डिजीज ये होती है कि इसमें जो आपकी किडनीज होती हैं ये सही से फंक्शन नहीं कर पा रही होती है, बिल्कुल एंड स्टेज पे आ जाती है, इसी वजह से डायलिसिस की। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब इनके कौन कौन से टेस्ट हम करवा चुके हैं?
तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो है डायलिसिस से पहले और डायलिसिस के बाद के कुछ टेस्ट होते हैं, ठीक है। बेसिक जो इनके जो टेस्ट होते हैं उसमें ये होता है CBC, खून का पूरा टेस्ट होता है जिसमें हीमोग्लोबिन और भी दूसरे मादे हैं वो पता चलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट होता है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड सोडियम इन सारी चीज़ों को देखा जाता है, क्योंकि ये डायलिसिस के पेशेंट्स हैं इनमें ये होता है कि ये जो मादे होते हैं ये ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, तो हमें इनको प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी होती है, इसी वजह से इनके बेसिक यहाँ पर ये टेस्ट किए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ मैं डॉक्टर को दिखा भी सकता हूँ, आप दिखा, ये इनकी बेसिक जो है पेशेंट डिटेल्स आ गई, पेशेंट रजिस्ट्रेशन फाइल होती है। उसके अलावा ये होता है कि जब जब जो भी इनका डे है, जैसे आज है वेंसडे, मंडे वेंसडे और ये फ्राइडे को आती है, ठीक है, क्योंकि हर ऑल्टरनेट डे पर डायलिसिस किया जाता है, ठीक है। अब ये क्या टेस्ट है जी? नहीं, ये टेस्ट नहीं है, टेस्ट की एक ये क्या चीज है, ये जो है पूरा जब जो भी इनका डायलिसिस होता है उसकी एक प्रॉपर चार्ट बनता है जिसमें इनका नाम, जेंडर, ब्लड प्रेशर, सही है। तो जी ये सारे जो है, आप ये ब्लड प्रेशर हर इनका तकरीबन 4 घंटे का डायलिसिस है, तो हर घंटे के हिसाब से इनका ब्लड प्रेशर, पल्स, जो भी फ्लो है वो, और ये सारी चीजें देखी जाती है, मॉनिटर की जाती है। अगर कोई भी मसला होता है तो उस हिसाब से दवाइयाँ या वो। अच्छा, एनी टाइम यहाँ पर जितनी कितने बजे शिफ्टें चल रही यहाँ पे? यहाँ अच्छा, ये मलीर जो कैंपस है JDC का, यहाँ पर ये एक ही ऐसा कैंपस है जहाँ पर 4 शिफ्टें होती है, बाकी जो दूसरे कैंपस है उसमें शायद दो शिफ्ट, बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। अभी इस वक्त तकरीबन 5 बज रहे हैं और ये तीसरी शिफ्ट मतलब इवनिंग शिफ्ट चल रही है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 मरीज हैं, ठीक है। ये रात में कितने बजे चलेगा सिलसिला? ये रात में अच्छा, ये शुरू होता है सुबह 8 बजे से, जो प्रोसेस जो जब ये खत्म कितने बजे होगा डॉक्टर साहब? और ये रात के 1:30 बजे तक जो 1:30 बजे, ठीक है, बहुत अच्छा है। अच्छा, जो टेस्ट करवाते हैं वो ये टेस्ट है? नहीं, टेस्ट जो है टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। एक पूरा इन्वेस्टोग्राम जो है वो बना, ठीक है। यहाँ पर ये आप टेस्ट सारे देख सकते हैं, ये इस तरीके से जो है इनके पूरे टेस्ट, ठीक है। लेबोरेटरी से, अच्छा, देखिए लेबोरेटरी, एक सेकंड, मुझे मैं यहाँ पर ये JDC की लेबोरेटरी से ही सारे टेस्ट करवाया, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं देखने वाले तमाम लोगों को अब ये बात बता दूं कि JDC की जो लेबोरेटरी है, जो JDC ने पाकिस्तान की पहली फ्री लैब बनाई है, जो अरबों रुपए की मशीनें जहां पर लगी हैं, वहां हमारा ट्रायल तो हो चुका कंप्लीट। अब JDC के तमाम डायलिसिस सेंटर्स के टेस्ट फ्री में हो रहे हैं, पब्लिक के लिए इंशाल्लाह 10 से 12 दिन में उसका इफ्तिताह होने जा रहा है, क्योंकि उसके अखराजात जो हमने सोचे थे 6 करोड़ रुपए डॉलर के हिसाब से पेड होने थे, डॉलर डबल हुआ, वो 12 करोड़ रुपए चलेगा। तो हमने भी सिंध गवर्नमेंट से भी दरखास्त की है उसके अंदर हमारे साथ ताउन करें। मुखैर हजरात पूरी दुनिया में जहां भी हैं, पाकिस्तान की पहली फ्री खून की लेबोरेटरी देखें। पाकिस्तान में लैब एक ऐसा बिजनेस है कि अगर आप किसी लेबोरेटरी को देखते हैं तो आपको लगता है शायद सोने की दुकान है, गोल्ड की, ज्वेलरी की दुकान है, इतनी सजी हुई शीशा, रोशनियां, लेकिन वो लेबोरेटरी होती है, क्योंकि इतना ज्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं, इतना ज्यादा ले रहे हैं कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। तो पहली फ्री लैब आ रही है, उसमें सपोर्ट करें। ये जो सेंटर्स चल रहे हैं, आप यकीन जाने सब मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग हैं, गरीब फैमिलीज के लोग हैं, लाखों रुपए महीने का अफोर्ड नहीं कर सकते। JDC फ्री में इनको जिंदगी फराहम कर रही है, इनके लिए आसानियां पैदा कर रही है कि आप जिंदा रहें, बेहतरीन डॉक्टर, क्वालिफाइड स्टाफ, सब कुछ मौजूद है, लेकिन हमें इसमें आपकी महाना बुनियादों पर डोनेशन की जरूरत है। आप साथ जुड़ेंगे तो यकीन करें, मलीर में भी हमें ऐसे तकरीबन 16 डायलिसिस सेंटर और खोलेंगे, तो जाके शायद मलीर के लोगों का लोड पूरा होगा। 16 सेंटर मलीर में सिर्फ खुलेंगे। अभी भी ये है कि यहाँ पर वेटिंग पे भी जो है तकरीबन 200 मरीज है, क्योंकि मलीर के बहुत सारे लोग हैं जिनको हम, मलीर में कोई डायलिसिस सेंटर ही नहीं डॉक्टर साहब, ना प्राइवेट ना सरकारी। आप यहाँ की सामाजिक और सियासी शख्सियत, इमरान भाई MNA के लिए इलेक्शन में भी खड़े होते हैं आप, सारी चीजें, गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे सर? गवर्नमेंट की आप पूरी दुनिया से अपील है कि जफर अब्बास पाकिस्तान में हर इशूज पे खड़ा होने का नाम है, और इस दौर में ये जो मियार है डायलिसिस हो या किसी और जगह पर, तो ये किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल से कम नहीं है, और जो सिस्टम जिस अंदाज का होता है उतनी ही मुश्किलात होती हैं। तो जफर अब्बास को याद रखिए और लोगों की खिदमत की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आए मैं आपको एक चीज और दिखा दूँ, ये देखें डॉक्टर साहब, इमरान भी सबके सिरहाने TV लगा हुआ है, मरीजों के खबरें देख सकते हैं, अगर कोई ड्रामा देखना चाह रहा है तो उधर TV पर ड्रामा चल रहा है। आए मैं आपको दिखाऊं हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी के मरीजों का अलग यहाँ पर डायलिसिस होता है। देखें नो कैश काउंटर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। ये आरओ प्लांट बोलना सज्जाद, मैं आपको दिखाऊं, देखें इमरान भाई, आरओ प्लांट भी इम्पोर्टेड लगाया गया है लोगों की जिंदगी पे। ये देखें, आए देख रहे हैं, ये आरओ प्लांट है, आए
आए। अच्छा, मैं देखने वाले तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, चाहे पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर, वीडियो शेयर जरूर करिएगा। देखने में तो आपको लग रहा होगा आप किसी बैरून ममालिक किसी सेंटर में मौजूद हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से भाई? कैसा महसूस कर रहे हैं डायलिसिस करा के? जिंदगी में कुछ बेहतरी आई? अब चलते फिरते खुद ही हैं, किसी सहारे की जरूरत तो नहीं होती? किस तरह आते हैं यहाँ तक? फोर सीटर में, मतलब रक्षे में आते हैं, तो मुश्किल तो नहीं ना ये? अच्छा, ये हेपेटाइटिस बी के सी? हेपेटाइटिस सी के। और खैरियत से है ना? ठीक है, आप इनको मॉनिटर कर रही हैं? सर, हेपेटाइटिस बी और सी के लिए अलग हमने अरेंजमेंट किया हुआ, ये सी है, बी आगे है। और सबसे बड़ी बात ये, महीने का इस इम्पोर्टेड सारी किट के ऊपर, ये जर्मनी की किट, जर्मनी का डायलाइजर, सारी चीजें, मशीन जर्मनी का, अगर ये प्राइवेट करवाएंगे तो हर महीने का 3 लाख रुपए कहां से लाएंगे? 36 लाख। आप महीने का क्या कमाते हैं भाई? बस बीमारी की वजह से घर पे। कैसे, कहां से? जब उसका कोई बीमार है, उसका कोई जरिया आमदनी, कैसे करेगा कोई भी इंसान? सर, हर कराची में रहने वाले 80% आवाम कहां से करा सकती है डायलिसिस? इतना महंगा इलाज है, सबसे महंगी बीमारी है। अपनी दुआओं में याद रखें जेडीसी के डोनर्स को भी और जेडीसी की टीम को भी। इमरान भाई, ये है सारा सिलसिला, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें, डॉक्टर मरीज के सराहने मॉनिटर करने के लिए मौजूद हैं, और ये सिस्टम है जेडीसी के तमाम सेंटर्स का। इसी तरह वो हेपेटाइटिस बी का है वो वाला। और मैं बस सिर्फ छोटी सी गुजारिश करूंगा देखने वाले तमाम लोगों से, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। लोगों के इल्म है जेडीसी के जितने भी सेंटर्स हैं, सरजानी से लेकर लियारी तक, लियाकताबाद, समनाबाद, मलीर, ये सब, और फिर सियालकोट में जो खुल रहा है कल परसों में, वो सब जगह फ्री में डायलिसिस। हम पूरे पाकिस्तान भर में हजारों डायलिसिस सेंटर खोलना चाहते हैं, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, आपकी ज़कात, खैरात, इमदाद, डोनेशन, महाना ताउन, ये सब कुछ हमें देंगे। यहाँ सैयद, गैर सैयद, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, सबका डायलिसिस हो रहा है मुफ्त में। आए, मैं आपको छोटी चीज और दिखाऊँ, स्टॉक कितना होता है हमारे पास। ये सारा सामान मौजूद है यहाँ पर, आइए आइए। ये सारी इम्पोर्टेड किट्स मौजूद हैं, ये इम्पोर्टेड जर्मनी से आए हुए डायलाइजर मौजूद हैं, ये सारा बाकी सामान मौजूद है, ये भी सब फिर्जीनियस का, आप देख रहे हैं, मेडिकल केयर का, सब इम्पोर्टेड है, लोकल कुछ भी नहीं है। ये देखें भाई, ये डायलाइजर है ना, ये देखें ये डायलाइजर है, ये भी जर्मनी के, मतलब लोकल कोई चीज किसी भी डायलिसिस सेंटर में जेडीसी के नहीं है। अभी तो हमने चले 10-12 डायलिसिस सेंटर खोले, हमें हजारों खोलने हैं भाई, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे। आए, मैं एक चीज आपको और दिखाऊं, बड़ी यूनिक चीज। आए, ये देखा, देखिए ये जो है, ये इसको बोलते हैं वेंटिलेटर। ये वेंटिलेटर है, कितने वेंटिलेटर है मैं आपको दिखाता हूं, ये सब वेंटिलेटर है, ये जितने भी कार्टन देख रहे हैं। इमरान भाई, ये असल में पाकिस्तान में अगर कोई भी मरीज वेंट पे चला जाए किसी प्राइवेट अस्पताल में, तो कोई एक दिन का ले रहा है 1.5 लाख, कोई 50,000, कोई 2 लाख, मरीज 4 दिन वेंटिलेटर वाला, लाओ जी 8 लाख रुपए दो। हम पाकिस्तान का पहला फ्री वेंटिलेटर टावर बनाने जा रहे हैं, यहां पर भी वेंटिलेटर आ चुके हैं, ये सब बाहर से हमें डोनेट किए साहब ने, हमारे नॉर्थ नंदाबाद वाले सेंटर में भी रखे हैं, भरे में ये हम फ्री वेंटिलेटर टावर बना रहे हैं, जहां पर मरीज को बिल्कुल मुफ्त वेंटिलेटर की सहूलियत मिलेंगी, बमाए डॉक्टर्स, एक पैसा उसे नहीं देना। दुआ करें अल्लाह ताला हमारे वसाइल बनाए, ताकि हम जिस तरह डायलिसिस की नेमत लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम कर रहे हैं, उसी तरह हम डायलिसिस का भी, ये वेंटिलेटर टावर भी बनाने में कामयाब हों। फिर एक दफा गुजारिश करूंगा, पूरी दुनिया में कहीं भी है, जिस तरह हर डोनर ने एक एक सेंटर बनवाए, आप भी एक एक सेंटर बनवा दें। इस वक्त मेरे ख्याल में 2 करोड़ की लागत आ रही है एक सेंटर बनने में, और उसके महाना अखराजात कम हो बेश 1 करोड़ के करीब के हैं। तो अपनी तरफ से सपोर्ट करें, हर महीने की जिम्मेदारी ले लें, $1, 1 पाउंड, 1 यूरो की। ये वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, खुद भी महाना डोनर बनना है आपने, इसके ऊपर लाइक करके कमेंट्स दे दें, चले वो भी हमारे लिए बहुत नेमत है, लेकिन इसको शेयर जरूर करें, लोगों तक पहुंचाएं, सपोर्ट चाहिए भाई, नहीं है पैसा हमारे पास चलाने के लिए, कैसे? अभी मेरे पास इतना प्रेशर है, वजीर मिनिस्टर, इन्होंने, आपने मुझे कितने दिन हो गए मरीज साहब बोला भाई? ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो गए, हम जगह नहीं निकाल पा रहे, हमारी सारी मशीनें फुल है, तमाम सेंटरों की मशीनें फुल है। तो भाई आगे बढ़े, हमें सपोर्ट करें, हर इलाके में मस्जिद खुलते चले जाएं। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, किसी वजीर मिनिस्टर को, किसी बिजनेसमैन, किसी पैसे वाले आदमी को टैग कर सकते हैं, जरूर टैग कीजिएगा, बहुत शुक्रिया।